वेलकम टू माय क्लासरूम। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, मतलब आपका रिवीजन चल रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी चल रही है। सर हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, कहां से मॉक टेस्ट देने हैं कुछ लोगों के ये सवाल हैं। तो शुरू में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एनटीए का खुद का ऐप है, प्रयास करके कुछ ऐप है, उस एनटीए के उस ऐप पर करीबन 115 से 135 के करीब मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी डले हुए हैं, तो प्लीज उसी से बनाएं। और कोई सीरीज से आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसका पैटर्न जो है वो जेई मेंस का ही पैटर्न है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले उसी को फॉलो करें। अब कुछ लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद वो कह रहे हैं कि सर मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूं फिर भी 10 गलत हो रहे हैं, मैं 60 कर रहा हूं 20 गलत हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, आप एनालिसिस का मतलब समझें। मैं अगर किसी काम में बहुत परफेक्शन में हूं या मैं बहुत लगातार उसमें मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसी भी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, उसके टेस्ट दे रहा हूं और वो तब भी गलत हो रहे हैं। किसी भी काम में अगर आप परफेक्शन रखते हैं और फिर भी वो कुछ गलतियां हो रही हैं उसमें, तो हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हो ये रहा है कि आपके कोई बच्चा है, उसके मान लीजिए टोटल मिला के 30 चैप्टर तैयार हैं। कोई बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, वो पिछड़ा हुआ था किसी वजह से सब्जेक्ट में, उसने कवर किया है, उसने बहुत मेहनत की है, उसके 30 चैप्टर ही तैयार हैं, लेकिन जब वो टेस्ट दे रहा है तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो उस चैप्टर का तैयार नहीं है, जो चैप्टर उसका तैयार नहीं है, वो उसे भी अटेम्प्ट कर रहा है लालच की वजह से। हमारे अंदर लालच आ जाता है कि सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसे उठा लेते हैं। तो ऐसा करने पर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी माइनस मार्किंग भी हो रही है दोस्तों। इसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। एनालिसिस उनका होता है जो आपके पहले से सही है और उसमें गलतियां हो रही हैं। तो सबसे पहले अपनी आदत बनाएं, अपनी ग्रीड को अपने पास रखें, उसे संभालें, अपने लालच को थोड़ा सा होल्ड करें, ठीक है, लालची ना बने। जब आप टेस्ट दे रहे हैं, दिमाग पूरा का पूरा आपका ठंडा रहना चाहिए, ठीक है, और दिमाग में ये माइंड सेट करके जाएं कि अगर मेरे 40 चैप्टर तैयार हो चुके हैं, मतलब हमने उसकी थ्योरी डिटेल में पढ़ ली है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो थी पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसके लगा चुके हैं, जेई मेंस की बात हो रही है अभी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगा चुके हैं, कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर चुके हैं, हमारे वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। भले ही मान लीजिए वो 40 चैप्टर हैं और वो तैयार हो चुके हैं, तो वो 40 चैप्टर ही मॉक टेस्ट में उसी के क्वेश्चन पहले होल्ड पर डालते जाएं और फिर उन्हीं को करें। मेरी बात समझ में आ रही है? उन्हीं चैप्टर को करें जो पहले से तैयार हैं। आपको कोई भी किसी और चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि वो तैयार नहीं है लेकिन बहुत सिंपल है, तो हमारा मन करता है उसे करने का, बिल्कुल ना करें, खुद को होल्ड पर रखें, क्योंकि हो सकता है अगले मॉक टेस्ट में उसी चैप्टर का टफ प्रॉब्लम आ जाए, तो हमसे वो नहीं बनेगा। तो सेल्फ एनालिसिस का सिंपल मीनिंग है कि आपने वो 40 या 50 जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, आपको उन्हीं के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में उठाने हैं, आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। फिर भी अगर हमसे 1-2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम नहीं बने या गलत हो गए, तो हम उनको देखेंगे कि वो क्यों गलत हुए, क्या ऐसा था कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का कंसेप्ट यूज हो गया, जिस तरह के कॉन्सेप्ट के हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो हमें और क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट हमें पता था लेकिन हमारी हड़बड़ी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार थोड़ा और फोकस करेंगे उस चैप्टर के, जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा मॉक टेस्ट में तब। मेरी बात समझ रहे? तो यहां पर एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको एनालिसिस की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। आपको अपनी ग्रीड को थोड़ा सा होल्ड पर रखना है कि वही चैप्टर उठाने हैं जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी दोस्तों? और हमेशा वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट दें, इससे ज्यादा ना दें, बीच में 1-1 दिन का गैप रखें, क्योंकि अगर कुछ माइनस मार्किंग हो रही है तो उसे हम एनालिसिस कर पाएं और उस पर काम कर पाएं, और साथ में रिवीजन करते जाएं। करीब करीब चैप्टर खत्म पे हैं, ठीक है, सिलेबस खत्म पे आ रहा है, तो लगातार उन चैप्टर्स को लेते जाएं जिनका वेटेज भी है और जो एक दूसरे से लिंक कम है, और अगर वो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर एक चेन वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे पूरा ज्योमेट्री है, ठीक है, पूरा कैलकुलस है, या डिफरेंशियल कैलकुलस अलग है, इंटीग्रल कैलकुलस अलग है, इस तरीके से फोकस करते जाएं। चैप्टर को कैसे क्या चूज करना है वो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था,
बैकलॉग कैसे खत्म करना है वो मैंने उससे लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले माय क्लासरूम पर उन वीडियो को जरूर देखें, आपके फंडे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा दोस्तों, और प्लीज प्लीज फॉलो करें, यह बहुत जरूरी है। आप ह्यूमन साइकोलॉजी से दूर नहीं है, वी आर ह्यूमन, हमारे अंदर लालच आ जाता है उस समय उन 3 घंटों में जो 3 आवर्स का मॉक टेस्ट हम दे रहे होते हैं। फील करें कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं। बी सीरियस कि वो 3 आवर्स इस तरह के हों जिसमें हमारे पास पूरा 3 आवर्स मिल रहा है, हम बिल्कुल माइंड को ठंडा रखेंगे और तसल्ली से क्वेश्चन देंगे। हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, जो चैप्टर तैयार है केवल उनके क्वेश्चन को पढ़ना है, पेपर को होल्ड पे डालते जाना है, उन चैप्टर्स को, चैप्टर के प्रॉब्लम्स को, और फिर उनको अटेम्प्ट करना है। हो सकता है इसमें आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, अगर कोई चैप्टर आपका तैयार है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा उसके क्वेश्चन को पढ़ के होल्ड पे डालने में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से वीडियो आपके काम का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।